हेलो गाइस, वेलकम टू जंगपांग एजुकेशन हब। आज है 16 जनवरी। 16 जनवरी को मैंने जितने भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन डाले हैं वो सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो शुरू करते हैं आज के सवालों से। पहला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के जो संस्थापक हैं वो हैं आत्माराम पांडुरंगा, यानी कि ऑप्शन ए जो होता है वो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ये है आत्माराम पांडुरंगा। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंगा द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारतीय पुनर्जागरण के जनक कौन थे? तो भारतीय पुनर्जागरण के जो जनक हैं वो हैं राजा राम मोहन राय, यानी कि ऑप्शन डी जो होता है वो हमारा राइट आंसर है। ये है राजा राम मोहन राय, भारतीय पुनर्जागरण के जनक। राजा राम मोहन राय भारत पुनर्जागरण के पिता थे। उन्होंने 1828 में, ठीक है, 1828 में कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का जो अध्यक्ष है वो उपराष्ट्रपति होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो होता है वो हमारा राइट आंसर हुआ। ठीक है, अब उपराष्ट्रपति की बात की गई है तो हमारे इंडिया के उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू हैं। ठीक है, ये हैं हमारे भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो सर्वोच्च होता है वो है संविधान, यानी कि ऑप्शन बी जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? टकला मकान जो मरुस्थल है वो चीन में स्थित है, यानी कि ऑप्शन डी जो होता है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, टकला मकान मरुस्थल जो होता है चीन के तारीम बारीम में स्थित है। यह 3,20,000 किलोमीटर, ये जो होता है 3,20,000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। ठीक है, ये है टकला मकान मरुस्थल। अब बात करते हैं चीन की, चीन की कैपिटल क्या है? चीन की कैपिटल बीजिंग है। चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग है। ठीक, ये है चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग। चीन की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा है रेनमिनबी। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कौन सा जल डमरू मध्य लाल सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है? बाब अल मंडब, यानी कि ऑप्शन ए जो होता है इसका राइट आंसर होगा। ठीक, लाल सागर और हिंद महासागर को बाब अल मंडब जोड़ता है। ठीक, यह अमन और जिबूती के बीच में स्थित है। ठीक, अब हॉर्मुज की बात की जाए, जो हॉर्मुज है, हॉर्मुज जल डमरू मध्य ओमान और फारस की खाड़ी को जोड़ता है। उसी तरीके से बोस्पोरस जल डमरू मध्य काला सागर और मरमारा समुद्र को जोड़ता है। ठीक, और मलक्का जल डमरू मध्य अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि ऑप्शन सी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, भारत की जो अर्थव्यवस्था है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र एक साथ मौजूद है। सरकार देश की अर्थव्यवस्था के कुछ सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अर्थशास्त्र गतिविधियों को निर्देशित करती है और बाकी को संचालित करने के लिए बाजार तंत्र पर छोड़ दिया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक है, ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन डी जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस एक गैस है जो थर्मल इंफ्रारेड रेंज के भीतर उज्ज्वल ऊर्जा को अवशोषित और उत्सर्जित करती है। ग्रीन हाउस गैसों के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्राथमिक ग्रीन हाउस गैसें जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस राज्य सरकार ने राज्य सरकार के निर्देशिका को डिजिटल एक्सेस देने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन डीजी नेस्ट लॉन्च किया है, जिसे एक बटन की क्लिक के साथ स्मार्टफोन के साथ सिंक किया जा सकता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है पंजाब, यानी कि ऑप्शन ए जो होता है इसका राइट आंसर होगा। राज्य के जनसंपर्क विभाग के कामकाज में
अधिक स्वचालन और प्रभावकारिता लाने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोगों को राज्य सरकार की निर्देशिका के लिए डिजिटल पहुंच प्रदान करने के लिए वस्तुतः एक मोबाइल एप्लीकेशन डीजी नेस्ट लॉन्च किया है। ठीक है, क्या किया है? डीजी नेस्ट जो एप्लीकेशन है ये लॉन्च किया है, जिसे स्मार्टफोन के साथ समन्वित किया जा सकता है एक बटन के क्लिक के साथ फोन। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के विज्ञापन और मीडिया घरानों को भुगतान जारी करने की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए एक ऑनलाइन पंजाब एडवर्टाइजिंग रिलीज ऑर्डर सिस्टम भी शुरू किया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा एक कैट थर्ड भी अनुरूप रनवे बन गया है, जिसका उपयोग विमान द्वारा खराब मौसम और धुंधली परिस्थितियों में भी किया जा सकता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी कि ऑप्शन बी जो होता है इसका राइट आंसर होगा। बेंगलुरु में कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास अब एक कैट थर्ड भी कंप्लीट साउथ रनवे है, जिसका उपयोग विमान द्वारा भी खराब मौसम और धुंधली परिस्थितियों में भी किया जा सकता है। बेंगलुरु हवाई अड्डा दक्षिण भारत का एकमात्र हवाई अड्डा और देश का छठा हवाई अड्डा है, जिसमें कैट थर्ड भी अनुरूप रनवे है। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो बेहद पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और मैंने इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहां से जाके भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।